पॉजिटिव पीपल ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ एंड ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एनवायरमेंट ऑफ द लाइफ. स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव. आ रहा है आपके लिए एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नंबर 5. दिल थाम के देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, पर हाँ मजा आएगा. सर आइए, आपके स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्टे फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ लाइफ. हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए, नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़िए, माहौल बनाते जाइए, एंड सरकार एक दिन दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी. देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ऑन वैल्यू अंडर जीएसटी. सर एक बड़ा शानदार, एक आपको पता है रोल नंबर 32 सब रोल नंबर 5, उसके बेस मैंने एक एमसीक्यू बनाया छोटा सा. देखिए सर, मिस्टर मोहब्बत नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. बहुत सारे लोगों के दिल यही टूट गए और बहुत सारे लोगों के दिल तो आबाद हो गए. खैर सबकी जिंदगी में, ना कहा ना, स्टे फोकस्ड बट पढ़ाई पे सर. और पॉजिटिव पीपल ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एंड इग्नोर द नेगेटिव एस्पेक्ट. सो मेरा मैसेज पहुंच रहा तक, मिस्टर मोहब्बत नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी परचेज्ड अ कार ऑन 14 February 2019. भाई साहब मोहब्बत है, 14 February को मोहब्बत और बढ़ गई होगी और इन्होंने 14 February को एक कार परचेज कर ली फॉर ₹50 lakh. ओहो हो, बड़ा हाथ मारा भाई. 75% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द कार वॉज फिनेंस्ड बाय बजाज फाइनेंस. अब जिंदगी भर फोन आते रहेंगे बजाज फाइनेंस से कि लोन ले लो, लोन ले लो. द लोन वॉज पेबल इन 50 monthly इंस्टॉलमेंट्स बिगनिंग फ्रॉम 1 April 2019. ओके, मिस्टर मोहब्बत पेड 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड देन डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन. ओ हाँ साहब, आशिकी में लुट गए. मिस्टर मोहब्बत ने 4 इंस्टॉलमेंट तो बढ़ी जोश जोश से पे कर दिया, फिर बाउंस पे बाउंस, बाउंस पे बाउंस, और लोन पे करने में, लोन रीपे करने में डिफॉल्ट हो गया. देयरफॉर बजाज फाइनेंस रीपर्चेज द कार ऑन 13 February. मतलब अगले साल 14 February आने से पहले ही उसकी कार क्या कर ली, उठा ली, बोला अब तू पैदल ही घूम, पैदल घूमने में मजा आएगा तेरे को, कार में हम ही घूमेंगे अब. देयरफॉर बजाज फाइनेंस रीपर्चेज द कार ऑन 13 February 2020. The car was disposed of on 1 April 2020 for ₹38 lakh. What would be your answer? ठीक है, इस लाइन को इग्नोर करिए. अभी आप देखिए MCQ नंबर 1 क्या पूछता है हमसे. What will be the purchase price? What will be the purchase price to be considered for the purposes of valuation under rule number 32, sub rule number 5 of the CGST rules? Okay, sir, purchase price क्या लेना होगा? Since Mr. Mohabbat is not registered under GST, rule number 32, sub rule number 5 क्या कहता है? अगर कोई भी finance company defaulting borrower से कोई भी goods repossess करती है, तो ऐसे केस में purchase price क्या होगा उसका? जो original price था उस machine का, जो भी goods था, minus 5% per quarter या पार्ट ऑफ द क्वार्टर. है ना, अरे क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है जीएसटी पर्पस के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड फोर्थ इज योर आंसर, इज योर होमवर्क सर. तो सर पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी एक क्वार्टर काउंट करेंगे, 5% पर क्वार्टर. और ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 के पर्पस के लिए 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस करेंगे. अब देखो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया कि 75% ऑफ द प्राइस वाज फाइनेंस्ड, उसे कोई कंसर्न नहीं है. फिर दिया कि 4 इंस्टॉलमेंट इसने पे करी, उससे भी कंसर्न नहीं है. ओरिजिनल प्राइस क्या थी बेटा? 50 lakh. 50 lakh माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर. अब एक और जो गलती होती है वो क्या होती है कि 5% पर क्वार्टर कब से कहां तक? तो डेट ऑफ परचेज क्या था बेटा? 14 February से कब तक? जब रीपर्चेज किया तब से नहीं, तब तक नहीं, जब आपने वापस से बजाज फाइनेंस जब वापस से बेचा, डिस्पोज ऑफ किया, वहां तक का 5% पर क्वार्टर लेस करना बेटा. मतलब नंबर ऑफ क्वार्टर कब तक काउंट करेंगे? जब आपने मशीन डिस्पोज ऑफ किया. रीपर्चेस कब किया उसे कंसर्न नहीं है, यहां मिस्टेक होती है बच्चों से. तो सर 14 February से क्वार्टर काउंट करना चालू करिए. अब 14 February से एक क्वार्टर कब खत्म हो जाएगा? 31 March को. क्लियर? 31 March 2019 को एक क्वार्टर खत्म, देन 30 June 2019 को एक क्वार्टर खत्म, दो क्वार्टर, देन 30 September 2019 को तीन क्वार्टर खत्म, देन 31 December 2019 को चार क्वार्टर खत्म, देन 31 March 2020 को भी एक और क्वार्टर खत्म, देन 1 April को एक दिन भी तो भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर में आएगा और 6 क्वार्टर काउंट होंगे बेटा इस केस में. 6 quarters. नाउ 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फॉर 6 quarters. तो 5% इनटू 6 करेंगे, देन यू विल गेट टू 30%. सो क्या करेंगे? ओरिजिनल प्राइस वॉज 50 lakh.
50 लाख माइनस 30%, 50 लाख माइनस 30% इफ यू विल डू, तो इट विल बी 35 लाख. तो 35 लाख विल बी द परचेज प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 इन दिस पर्टिकुलर केस. सो 35 लाख, सो बी इज द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू नंबर 1 का बी इज द करेक्ट आंसर. देखो बच्चों, एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. हम बोलता है क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस अब उसको कार को बेचेगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बजाज फाइनेंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर बजाज फाइनेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन अंडर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 ऑफ द सीजीएस रूल्स. रूल नंबर 32 5 के पर्पस के लिए सर, जो मार्जिनल स्कीम है उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, और आपको बताया क्या, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. अब सर, सेल प्राइस इसने कितने में सेल किया बेटा, देखिए पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द मेन क्वेश्चन. Therefore, Bajaj Finance repurchased the car on 13 February. The car was disposed of on 1st April for Rs. 38 lakh. जो next अंदी उसको ignore करिए. 38 lakh में इसने क्या कर दिया? Car को बेचा है बेटा. अब 38 lakh में car को बेचा है, तो 38 lakh was the sale price. और आपको पता है rule number 32 sub rule number 5 के लिए sale price minus purchase price. So sale price was 38 lakh and purchase price was 35 lakh. So 3 lakh will be the value of supply under rule number 32 sub rule number 5 for the purpose of GST for Bajaj Finance. 3 lakh. So A is the correct answer, beta. Very good. Aiye MCQ number 3 mein. What will be the value of supply for Bajaj Finance for the purposes of valuation under rule number 32.5 of the CGST rules if disposal value of car is rupees only 31 lakh? Bhaiyo, agar car ko dispose of kiya 31 lakh mein, ye ho gaya sale price. Purchase price humne nikala hai 35 lakh. Ab 35 lakh was purchase price. Sale price was 31 lakh. सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. तो सर 31 लाख माइनस 35 लाख 4 लाख नेगेटिव. और आपको बताया रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 ने कहा है क्या, वेन एवर वैल्यूज आर नेगेटिव तो इट शिल बी डिम टू बी निल. हाँ है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे मतलब वैल्यू को इग्नोर करेंगे मतलब निल विल बी द वैल्यू. तो सर इस केस में लॉस हुआ है, लॉस पर अगर बेचा है तो नेगेटिव वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, वैल्यू विल बी निल. सो सी इज द करेक्ट आंसर. माहौल सर, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर. डन. ये छोटा सा एक एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, एक 32.5 बनाया था मैंने आपको, सो दैट इसका रूल भी आपको समझ में आया और छोटा सा किस तरह से केस स्टडी बन सकती है आपको ध्यान रहे. जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ही बने, छोटे भी बनते बेटा. क्लियर? डन. माहौल पढ़ते रहिए और ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं कि केस स्टडी कैसे बन सकती है और आपको किस तरह से आंसर देने हैं. थैंक यू सो मच, आपके कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे. माहौल पढ़ते रहिए. जय हिंद. थैंक यू.